प्रूव करने की कोशिश कर रहा है पर हो नहीं पा रहा है। जी एक्चुअली मीरा और विवान की शादी हुई है, ये सिर्फ मीरा विवान और सनी को पता है, और सनी तो ऑफकोर्स विलन है और वो सबके सामने नहीं आने देगा कि उसकी शादी विवान से हुई है। अब विवान वापस आया है पर अब वो लोग प्रूव नहीं कर पा रहे कि मीरा और विवान की ही शादी हुई है। जो प्रूफ था वो सनी ने घुमा दिया, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ की है जिस वजह से दोनों फंस गए हैं कि अब प्रूफ कैसे करें कि मेरी और विवान की ही शादी हुई थी। विवान को बाहर निकाल दिया, सनी भी काफ़ी सक्सेसफुल होते नजर आ रहे हैं। जी इतना सनी सक्सेसफुल हो रहा है, सनी काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है पर कहीं ना कहीं वो डरा हुआ भी है क्योंकि मीरा जो है बहुत टेढ़ी चीज़ है और मीरा डरने की बजाय उसको धमका रही है फुल कॉलर पकड़ के कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। और जैसी कि मीरा है एक्चुअल में वो उससे डर नहीं रही है और उसको और मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता है ऐसे सीन्स करने में जब किसी को कॉलर वॉलर पकड़ने होते हैं और सुनाना होता है तो वही चीज़ करने को मिल रही है तो इट्स फन टू शूट। एंड वो डर नहीं रही है, वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सबके सामने मैं प्रूव कर सकूँ। तो लास्टली पूछना चाहिए कि एक चिट्ठी आ गई आपके हाथ में और वो गलत वाली चिट्ठी। जी वो सनी एक्सचेंज कर देता है जो कि उसकी प्लानिंग होती है। अगेन विवान कुछ प्लान करता है कि हम लोग मतलब देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, अब हम भाग सकते हैं या कुछ करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो सनी शिफ्ट कर देता है। सनी की कोई प्लानिंग प्लॉटिंग होती है जो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। थैंक यू।